Punjab and Haryana farmer groups will march to Delhi on February 13 to demand MSP assurance. The non-political faction Kisan Mazdoor Sangharsh Committee, part of Sanyukt Kisan Morcha, has organized the Delhi Chalo March. They have their tractors ready. Security measures have been implemented, including deployment of paramilitary forces and the imposition of Section 144 in Chandigarh. Singhu, Ghazipur and Tikri borders are fortified to prevent protests in Delhi causing severe traffic disruptions. Ambala, Jind, Fatehabad and Sirsa districts seal entry points with concrete walls. Mobile internet services are suspended in select areas. Commuters face challenges due to heightened police presence, prompting the use of alternate village routes. देखिए हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, और हमारे एडवांस स्पॉटर्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, यू नो, डीप इनसाइड यूपी एंड इनसाइड हरियाणा, इवन एज फार एज पंजाब. तो वी आर गेटिंग लाइव इन्फॉर्मेशन व्हाट इज हैपनिंग. और हम लोगों ने अपना जो एक अरेंजमेंट है, 11 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख से ही शुरू कर दिया था. मतलब कल हमने एक अरेंजमेंट इशू कर दिया था, कल से ही काम शुरू हो गया, आज भी है और कल ये फुल फोर्स पे आएगा. तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट है हमारे, जो हमारा लोकल अरेंजमेंट है उसमें करीब 1200 आदमी मैंने मोबिलाइज किए अपने जिले में से, इंक्लूडिंग सिपाही से लेकर डीसीपी तक. और आउट ऑफ फोर्स भी मैंने डिमांड किया है, पीएचक्यू के सामने अपने प्रस्ताव रखा है. जो भी पीएचक्यू हमें देगा, आज सवेरे जैसे पूरे ईस्टर्न रेंज को 6 कंपनी आउट ऑफ फोर्स मिली है. तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक थोड़ा बहुत प्रेशर सिंघू पे और टीकरी पे रहेगा, और हो सकता है गाजीपुर साइड में भी आए. मेरे पास 6 बड़े बॉर्डर हैं यहाँ पे, इसमें 2 नंद नगरी में, 1 हर्षविहार में और 1 ज्योति नगर में, फिर 1 सभापुर हो जाता है करावल नगर, और 1 चौहान पट्टी हो जाता है हमारा ट्रॉनिका सिटी के बगल में सोनिया विहार में. तो इन 6 बड़े वाले हैं मेरे. वैसे मेरे मोटरेबल रोड्स हैं करीब 8, तो टोटल 14 मेरे एक्सेस पॉइंट्स बन जाते हैं. तो बड़े वाली सड़कों पे हम लोगों ने मेजर इंतजाम रखा है और छोटी वालों को भी कवर किया है. इसके बाद जो मेरा सेकंड लेयर है वो जिले के बीच में है अलग अलग जगह पे, और जो फाइनल लेयर है जो मेरा बिफोर यू एंटर न्यू दिल्ली और नॉर्थ, तो वो मेरे यमुना पे हैं. 4 बड़े वाले हैं मेरे जो जहां से यमुना आप क्रॉस कर सकते हैं. तो उन सभी को हमने बड़ा पुख्ता इंतजाम किया है, डिटेल अरेंजमेंट इसमें इशू किया हुआ है. और जो हमारा बॉर्डर पे जो चेकिंग होगा उसको भी हमने मल्टी लेयर किया है कि वी आर यूजिंग व्हीकल्स, वी आर यूजिंग जर्सी बैरिकेड्स, हम लोग आयरन बैरिकेड्स भी यूज कर रहे हैं, और जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां पे और भी, मतलब जो इनके व्हीकल्स आएंगे, बड़े व्हीकल में आते हैं ये लोग, कि ट्रैक्टर ट्रॉली हो जाता है या फिर कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स आ जाते हैं, तो उसमें और थोड़ा बहुत एक कंपोनेंट लास्ट टाइम का जो हमारा एक्सपीरियंस था कि कुछ लोग हॉर्स बैक पे भी आते हैं घोड़े पे बैठ के, तो वो सब भी हम लोगों ने किया हुआ. और इसी इंतजाम के लिए कल एक 144 का एक मैंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी अपने जिले के लिए मैंने एक इशू किया था. तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जैसा भी होता है कल देखेंगे, विल बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट हैपेंस टुमारो. Farmer association from UP, Haryana, Punjab led the protest, marking the second major demonstration since the farm laws were repealed in 2021. Their demands include an MSP guarantee, the Swaminathan Commission's recommendation implementation, debt waivers, case withdrawals from the previous protest, justice for victims of Lakhimpur Kheri violence. The government has warned against using Delhi-Chandigarh highway. 3 union ministers, including Piyush Goyal, will meet farmers' leaders today. The government proposed a new committee comprising agriculture, rural and animal husbandry ministries to discuss MSP for all crops. Earlier on Thursday, a government team featuring Piyush Goyal, Arjun Munda and Nityanand Rai met farmers' representative in Chandigarh. A farmer spokesperson said a new committee was offered, aiming for frequent time-bound discussion. The spokesperson, though, expressed dissatisfaction, saying despite multiple meetings with previous committees, they had inconclusive outcomes. तैयारी बहुत पूरे देश भर से, हर सूबे से, तमिलनाडु से, केरला से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी पूरे प्रदेशों से किसान कल
करोड़ों करोड़ कूच करेंगे। आज हम लोग यहाँ ब्यास से रवाना होकर फतेहगढ़ साहब में स्टे करेंगे, मीटिंग के बाद आगे निर्णय करेंगे। क्या मांगे रहेगी सर आप? देखिए, मांगे वही है, MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाए, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें, गन्ने को भी C200 के साथ जोड़ दें, और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए, सब केस वापस होने चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए, और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले, मनरेगा 200 दिन चले, 700 रुपया उनकी दिहाड़ी हो, आदिवासियों को जो संविधान की 5वीं सूची उसको लागू किया जाना चाहिए, फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे। इसी तरह से जब 60 साल का किसान हो जाता है तो उनको किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलनी चाहिए, भारत विश्व संस्था खेती को बाहर लेकर आए, इन सब मांगों को लेकर आंदोलन।